अपन भतार के भेजी दो हिस्सा उनके के दे हमरा भतार के इज्जत से नाम ली दीदी मार के खींच कर अरे आराम से रखिए जो दिमाग अभी खराब है मेरा जल्दी साड़ी चेंज करो साड़ी पहने नहीं तो चेंज क्या है यही तुम अपना चेंज करो जो भी पहनी हो चेंज करो कितना अच्छा तो लगता है जी मैं मुंबई ऐसे ही ना पहनती थी यहाँ पे क्यों चेंज करूँ जी जानू हमको तो बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहनते हैं ना तो यहाँ से यहाँ चढ़कर आ जाता है मुझे पता है बाबू तुम बहुत तकलीफ होता है तुमको साड़ी पहनने में हाँ जी ब्लाउज पहनने में हम जानते नहीं है तुम्हारा दुख हम ही ना बूझते हैं तो बूझते हैं तो फिर आप हमको साड़ी पहनने के लिए क्यों बोल रहे हैं जी मजबूरी है भैया देखो बहुत चार आदमी है तो भैया से मुझे क्या लेना मैंने शादी आपसे की है ना कि आपके भैया जी से सुनो ना क्या है हमारे छोड़ो ना पैर दर्द कर रहा हूँ बहुत दर्द कर रहा है हमारा चलते ना मझिला भैया को मार दिए दबा के जाने दीजिए आपके भैया है ही वैसे मुझे देख कर ऐसा डर रहा है जैसे कि मैं कोई एलियन हूँ बताइए तो नहीं रे गांव में सब साड़ी ना पहनता है सबकी बात अलग है भाई सबका अपना अपना पसंद मेरा ये पसंद है मैं ये पहनूंगी देखो तुम जिद की तो हम शहर से गांव तक लेके अब यहाँ पे ज्यादा औरत करोगे ना हाँ अब मुझे लग रहा है ना कि पता है आप मुंबई से मुझे क्यों नहीं लेकर आ रहे थे ताकि आपके भैया जी जो कहेंगे वो आप करेंगे वो साड़ी टाइप का वो मैं नहीं पहनूंगी मैंने यही मुझे यही पहनना है और यही पहनना है नहीं तुम साड़ी पहनोगी दिमाग मत गरम करो मैं यही पहनूंगी समझे मैं आपकी कमाई खाती हूँ किसी की बात की कमाई नहीं खाती हूँ ये तो सही बात है तो आप ही बोलो मैं क्यों उन लोगों की बातें मानू अच्छा एक बात बताइए मैं साड़ी पहन लूंगी ठीक है फिर मेरे से काम नहीं होगा तो आपके भैया जी बोलेंगे आलसी है मैं सबसे पहले मॉर्निंग में उठती हूँ तुलसी माता को हाय हेलो बोलती हूँ ठीक है फिर सारे भैया लोगों से मैं मिलती हूँ और उसके बाद मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती हूँ सब ठीक है बेटा तो मेरे से साड़ी भी ओके मान लो मैंने एक फिल्म में देखा था साड़ी पहने हैं गैस पे ऐसे चूल्हा धरा रहे साड़ी का पल्लू गैस में चला गया आग लग गया हम मर गए तो मेरी माई भी तो साड़ी पहन के चूल्हा फूकती थी गैस है ना हाँ गैस है जल जाएगा ना तो फिर हम मर जाएंगे तो आप मेरे बिना नहीं रह पाएंगे बाबू तो इसलिए आप अपने भैया को मनाइए ना हमारा पावर है रे उनके सामने बोलने का यार कैसे हस्बैंड है यार छी दूसरा हस्बैंड होता है ना अपने बीवी के लिए पहाड़ खोद कर रास्ता बनाता है उस लाइफ में नहीं है मेरा तो बतिया छोड़ बनारा भैया तो च्याओ नहीं बोलता है बोलते हैं तो आम भाग से मुंह करके निकल जाता है आपका परिवार लेकिन बहुत क्यूट है इसीलिए हम मुंबई से आके भी यहाँ रह लिए पर हम नहीं रहते हैं लेकिन मैं उन लोगों को समझाऊंगी ठीक है कि मुझे यही पहनना है तो पहनना है तो पहनना है और आप मेरा सपोर्ट करोगे हम नहीं कर पाएंगे नहीं करोगे करेंगे जानू करेंगे मैं जा रही बात करके अभी नहीं कल कर लेते हैं ना इस नहीं मैं अभी बात करके आती हूँ चलो अभी नहीं कल ना शट अप ओके लड़ना मत जाते आराम से कंप्रोमाइज कर लेना मारे लगे भैया ये तब एक रखे जाते पछाड़े हम सपोर्ट करो हिम्मत बंद रहो करा मुँह को बाकी आख बाद भैया के तो जानिए जिनकी सलाह और तरह से ना आय हे दीदी वो कब सुधरी जी बिपक कर बात हमरा से मत कहिए ठीक न बाप रे को त मुंह देखे के मन नहीं कर दीदी रउआ रखे के बात रह कि हम अलगा हो कम हम ना नाम कर के अलगा हो अगर रियली में आप लोगों को हमसे प्रॉब्लम है तो आप लोग अलगा हो जाइए अच्छा दीदी एक बात बोले मेरे कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है ढोड़ी लखता हो ढोड़ी आप कौन से क्या जा रहे ओ माय गॉड ये फैशन है और ऐसे भी जानते हैं संस्कार मायने रखता है ना कि ड्रेस और ठीक है दीदी एक बात बोलूं और मैं आपको भी बोल देती हूँ मेरा पति कमाता है मेरा पति लाता है और वही मुझे खिलाता है मैं उसकी कमाई खाती हूँ तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं अरे बाप हो बाप है और छुड़ी लेखा कितना जबान चलाता दीदी आज भतार भतार पे घमंड करो तो इसनु जना भतरा पा उहे भतरा के नु कमा कमा के पढ़े लिख के बाहर भेज रही है बाल बड़ ठीक ना वो भी कमा कर बाहर से भेज देते हैं मुंबई से अरे बाप मैंने खुद उड़ा तोरा रे तोरा पे बीबी मैं उनकी हूं तो उड़ा भी हुआ तेरे चक्कर में पल मारो मेरे घर में आग लागुल बाटे सुनिए तड़ी यहां अथी करके शौक है ना आपने क्या बोला मेरा भी भतार कमाता है तो आप लोग पहनिए मैंने आप लोगों को रोका नहीं है आप लोग आज के बाद से मेरे कपड़े पे कमेंट नहीं कर सकते समझे तेरा कपड़ा क्यों गांव का लोग मुझे खाने को देता है खाने के पीने को देता है दीदी मेरा हुआ सहे के बात तो सही हमार बस चलती नहीं है घर से निकाल देती लेकिन हम नहीं खे जाना मैं अलगा होके रहा हूं मैं ऐसे ही रहूंगी आपको अलगा होना हो जाइए ओके दीदी हमार हिस्सा बटवा दी भैया जी से हम ना रहन दादा मतलब एक कलमोही के परछाई और पर तो बाल बच
ऐसन मत बोलो मान शुरू से बाहर में रहल भी अच्छा रहुआ लोग ने सपोर्ट करो सपोर्ट का करते धीरे धीरे सीख जाओगे अभी के देखी संस्कार तबे न मानी अब हम धीरे धीरे नव सिखाई हम कह तनी कि हमार हिस्सा बटवाई तो बटवाई तू अपन बाल बच्चा के अगर अपने से अच्छा संस्कार देबू त ना सीखिए सन ओकर देख सीख जइए सन ना दादा हम घर के रवान में अपन ओकर देखते देखते सीख जइए सन आ रहुआ के लाज रहत तो रुकी हम जा तनी भइए जे कहे कि हमार हिस्सा बाटी तो गजब कैली सन दोनों के दोनों मिल के माने कनी के अतना दिन से पोस पाल के सब कहनी ओकरा बाद में आज कनी ना टंकी लगा दे से ठीक है बा जान बुझाए तो ना करस हम कुछ नहीं के ई तबीयत तो समझबे ना करी रात दिन घर में कला फिर बा एक तो सलाह हमरा के तबाह रोग कई दे एक वो खेती में बुझा तक ही असो सुखा रोग तो से हमरा कोनो मतलब नहीं के हमरा के आवे करी और हिस्सा बाटी हम अपन आंगन गिर के रहम हम ओकर मुरी के मुंह ना देखम आगा ना हमरा जियते आगा ना गेड़ाई बाबूजी मर गनी और लोग हमर सासु ना हानी भांसु हानी लोग से कोनो मतलब नहीं के लोग इस दार हानी अगदार हानी और लोग से हमर हक ना मतनी ठीक बा हाँ ये हक ले बे आई बारी हो हम लोग से कहते नहीं कान खोल के सुनी हमर हिस्सा दी हम ना रहा मिलके में लोग 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 रे के राखी की बात तो राखी हाँ 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 अब वो कर के ले जाके घूरा पर फेंकी यही घूरा ऐसा नहीं यही हो पता घरे के ही अपन भातार के भेजी दो हिस्सा उनके के दे हमरा भातार के इज्जत से नाम ली दीदी मार के खींच कर हां पता है ये तो मां जो भैया पर उठाए ना मैं भी आपको मार सकती हूं लेकिन हमारा संस्कार ये नहीं है कि हम अपने बड़ों का हाथ उठाएं साड़ी पहनती हो आपका संस्कार क्या कहां गया आप बोलते हो मैं छोटे कपड़े पहनती हूं तो मैं संस्कारहीन हूं फिर आपका संस्कार हां कहां गया यही संस्कार है कि अपने बड़ों पर हाथ उठाओ उनको मारो मेरे कपड़ों से संस्कार नहीं दिखता है लेकिन सुबह का पाठ पूजा करना अपने बड़ों का आदर संस्कार करना ये मुझे आता है और दीदी अगर आपका ऐसा संस्कार है ना कि साड़ी पहनो सास ससुर भसुर सबको मारो गाली गलौज करो नाटक करो तो मुझे ये संस्कार नहीं चाहिए मैं ऐसे ही काफी अच्छी हूँ आप लोग संस्कार दिखाते हो वाह रे वाह आज हम राखी पके पर्दा खोल दे लेते हमेशा गंवा रही की समझत रही की जे छोट कपड़ा पहने ला खराब हो क्या हुआ आप खुद भैया से लेकिन ना जे छोट कपड़ा पहने ला ओकर संस्कार ना होला संस्कार तो घरे मिले का हो भैया आज हम ना सोचले रही जवना के चलते तू दोनों जना हमरा ले डेरा तो आज हमर बेटी सामान भव हमर अपन हाथ उठा देलस जरूर हमरा में कमी हुई ई चीज के कमी है अपनी संस्कार दिखा रही थी भैया मेरे कपड़ों की वजह से अपनी हक हिस्सा मांग रही थी भैया ने गलत क्या बोल दिया उन्होंने अपने संस्कार दिखा दिया हमने के दूर आदमी के सामने खोखे नहीं जाना तुम मत चल रहा है सुनता है ना रे ना तो तू अब ये मत ऐसे कि तोरा के संस्कार हम ही नहीं सिखाई छोड़ हमारे हे मत तोरा के कबो हम नहीं सिखाई लेकिन स्त्री अबला पहाड़ उठाई है तना तना मन बड़ देगा हाय कि घर के गाजी उन लोग पे हाथ उठाओ तरु जान तो भगवान से भी ज्यादा पूजा नहीं जाएगा के हंसी मजाक के मर मजाक चलेला हर चीज में हमने भाई में लेकिन बेवत नहीं के सामने खड़ा होके के जो तू हाथ उठाओ तरु का तरह भाई भाव का कपड़ा में करती बाटे हाय हम पागल हैं उसुम से वे पहन के पर आदत पाता का करी हम रुक 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 तोरा का एलर्जी बारे बोल हम ये सोचत रहे कि हम उनका संगे ना रहम उनकर परछाई हमर बाल बच्चा पे पड़े तो अच्छा का होई परछाई पड़ी तो ओकरे जेसन कपड़ा पहनी है और संस्कार के छोड़ हमारा मत संस्कार के बात कैसे आई तोरा जवान पर संस्कार के बात करे के बाद हमर पिता लेखा बाप पे हाथ कैसे हाथ उठा देले रे बोल ये संस्कार सिखाई पे बाल बच्चा के आई ये कैसे सिखल बड़े आई ये सिखाई पे आगे एतना मार मारब कि चमड़ी उतर जाए हरामी कहीं के संस्कार संस्कार कोई ले बताएं ए भौजी संस्कार की बात करते हैं संस्कार कपड़ा सना होला पता बा संस्कार व्यवहार से होला एक दूसरे की इज्जत से होला मन से होला आत्मा शुद्ध रही नू कल बनू ये गंगे के खिसवा में मन सच्चा तो पठौती में गंगा मन सच्चा रखो ना तनी मनी ओकर कपड़ा के त्याग लियो बड़का भैया से हिंसा खाती मांगे हिंसा के का जरूरत बा आज तक सला जवना भैया बे हम के है
आतना हमार के मरले पिटले हुए लेकिन पलट के जवाब तक ना देले हो कब वो भैया पते हाथ उठावा तारीस ज्यादा इनका कोटा पूरा हुआ आ जाता ना छोड़ दो का कहे कि खून खोला था कि तोरा का जा लेकिन चुप भी बानी तो भैये के चलते छोड़त भी बानी वो भैये के चलते रहत बात संस्कार के तो संस्कार ते अपना अंदर ले वे परवरिश जवन जन्म ली ओकरा के दिए भैया एक और बात हम बोलते हैं अगर तू लोग कहता ना एक प्रॉब्लम मान लो काल सब साड़ी पहन चल सब बात कर लो और आज मुझे भी एहसास हुआ कि भैया और या आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं और कोई बात नहीं अगर आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं ना तो उस प्यार के बदले हम कोशिश करेंगे कल से मैं भी ऐसे ही कपड़े पहन कर रहा हूँ और मुझे साड़ी में भी बहुत अच्छी लगती है सुन आज के बाद बंटवारा के नाम जबान पर तोरा आई तो मुड़ी ऐठ के मुआ दे छोड़ा ना बाबे सुन ना भाऊ जी हमसे भाई भैया शादी कर लेनु हम शादी कर लेनु हां शादी कर लेनु हां ए का करो ए ए हां हम शादी कर दे शादी कर ले ए अब का करेंगे ये कैसे पहले की यार हम आज बहुत खुश बनी कि हमार घर नीपर होते हुए मंदिर जैसा हमारे घर पर हमार दोनों भवा बेटी जैसा घर मंदिर का है ना रहे इक्कीस किलो चाउर जोगाड़ कर खीर बनवा इतना गुस्सा ना करे पागल तोरा ये सब दिक्कत रहे तो हमारा से कहला हमरा से बहुत बड़ गलती हो गई थी भैया हमरा के कह दे रहे तो हाँ चल कौन बात ना सुन सुन चल कल पटना चले जा और तोरा के शॉपिंग करा दे चल ना जान तुझे शॉपिंग करा दू सच्चू पटना सोहरिया में सड़िया